नमस्कार, मैं शालिनी शाक्या और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान की प्रक्रियाएं अब लगातार जारी हो चुकी हैं, जहां 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हुई थी, तो वहीं अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग भी संपन्न हो चुकी है, जिसके बाद सभी पार्टियां लगातार फिर से एक बार चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं और जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत कर रही हैं। इसी दौरान सभी नेता मीडिया से भी मिलते नजर आ रहे हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, रामविलास लोजपा के चीफ चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन मीडिया से बातचीत करते दौरान वो ये कह रहे हैं कि जहाँ 2014 में विपक्ष सरप्राइज हुआ था, तो वहीं 2019 में वो और भी ज्यादा सरप्राइज हुआ, लेकिन अब 2024 आते आते तो वो लगातार और भी ज्यादा सरप्राइज होते नजर आएंगे। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, देखिए इस मीडिया रिपोर्ट में। कि सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल सरप्राइज होंगे वो, रिजल्ट आने तो दीजिए। 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे, उससे ज्यादा 2019 में हुए थे, और 2024 आते आते तक तो पूरी तरीके से वो सरप्राइज होंगे। वोटिंग परसेंटेज भी इस बार कम हो रही है, क्यों? क्योंकि महागठबंधन के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। किस बात का उत्साह होगा बताइए? एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में नेता है, नेतृत्व है, नीति है, जो कि स्पष्ट तौर से दिखती है, वहीं महागठबंधन या एनडीए अलायंस जो भी बोल लीजिए, इनका कैडर क्यों निकलेगा? पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता इनके लिए प्रचार करने नहीं गया, तो कांग्रेस का कैडर क्यों निकलेगा या वाम दलों का कैडर क्यों निकलेगा? और जिस तरीके से विरोधाभास इन्हीं के पार्टी के नेता एक दूसरे के सामने भिड़ रहे हैं, और जिस तरीके से राजद के नेता ये बोल रहे हैं कि उसको हराने के लिए एनडीए तक को वोट दे दीजिए, तो ऐसे में कम से कम महागठबंधन के किसी भी कैडर में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जो भी एक्साइटमेंट है, जो भी वोटर निकल रहा है, वो एनडीए का निकल रहा है, प्रधानमंत्री जी के नाम पर निकल रहा है, मुख्यमंत्री जी के उस पर निकल रहा है, एनडीए गठबंधन के घटक दलों के की मजबूती की वजह से निकल रहा है। एनडीए वालों को ना करना चाहिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार चिराग पासवान विपक्ष पर हमला साध रहे हैं, और साथ ही वोटिंग इस बार जो वोटिंग से लोगों ने बहिष्कार किया है, उसको लेकर भी वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस जनता के बीच ही नहीं जा रही है। जहाँ भाजपा नीति है, नेतृत्व है, वही कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रकार से पहले चरण में कांग्रेस का एक भी नेता जनता के बीच नहीं गया। तो जितने भी वोटर्स मतदाता वोट दे रहे हैं, वो सिर्फ एनडीए को दे रहे हैं, और एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट देने आ रहे हैं। विपक्ष के लिए किसी भी प्रकार का कोई वोट उनकी तरफ से नहीं डाला जा रहा है। वहीं वो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में आपसी मतभेद है, कोई भी लोग एक दूसरे के समर्थन में जाकर सभाएं ही नहीं कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो तेजस्वी यादव पर भी हमला साधते हुए कह रहे हैं कि जहां राजद नेता खुद एनडीए को वोट डालने की मांग कर देते हैं केवल उसकी हार के लिए, तो ऐसे में लोग आखिर उनको वोट क्यों देंगे। चिराग पासवान के इन बयानों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।